पैसा दे पाना ना ले पैसा दे पाना ना ले। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर ऐसी खबर लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे सुनकर देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर कैसे ठगी की जा रही है। पैसा दे पाना ना ले पैसा दे पाना ना ले। नेता अपनी तिजोरी भरने के लिए किस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की पदस्थापना अपने क्षेत्रों में करा कर गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारी किस तरह से उगाही कर नेताओं की तिजोरी भर रहे हैं, कई बार देखने को मिल चुका है। चाहे वह जनपद सीईओ और विधायक के बीच हुई चर्चा का ऑडियो हो या विधायक के गुर्गो द्वारा सीईओ के साथ मारपीट या सिमरिया नगर पंचायत में अवैध वसूली, यहाँ की जनता क्षेत्र में हो रहे वसूली और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। सिमरिया तहसील में विगत 11 दिनों से भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं लगातार पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। किसान नेताओं के साथ अभद्रता के बाद एक ऐसा पीड़ित सामने आया है जिसके माता पिता विकलांग हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर 20,000 हड़प लिए गए। उक्त रुपए तहसील में दलाली करने वाले पीयूष द्विवेदी के द्वारा नायब तहसीलदार के नाम से लिए गए थे। पीड़ित ने बताया कि वह हरदी कब्सा का रहने वाला है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया गया था। अपनी पैतृक जमीन पर खसरा तरमीन सीमांकन करवाने के लिए आवेदन किया, जहां घूसखोर ने 20,000 के लिए जब काम नहीं हुआ तो पीड़ित ने फोन पर बात की तो उल्टा उसे पीयूष द्विवेदी के द्वारा धमकी दी गई कि देखते हैं कैसे तू अपना सीमांकन करा लेगा। सीधी सी बात है कि जिसे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो, बिना नायब तहसीलदार तहसीलदार एसडीएम के कोई कार्य नहीं होते। ऐसे में दलाल का कहना भी सच है कि कैसे वह अपना काम करवा सकता है, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पदस्थापना ही विभागों में करवाई जाती है कि जनता को लूट कर नेताओं की तिजोरी भरे। पूरे मामले का ऑडियो और व्हाट्सएप चैटिंग देते हुए पीड़ित राहुल साकेत ने चैटिंग और ऑडियो भी उपलब्ध कराया है। हालांकि विराट 24 उक्त चैटिंग और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से पीड़ित सामने आ रहे हैं उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि तहसील में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जारी है, लोगों का शोषण हो रहा है और यह शोषण किसके इशारे पर हो रहा है यह जनता जानती है। आइए आपको सुनाते हैं पहले पीड़ित राहुल साकेत और तहसील में दलाली करने वाले पीयूष द्विवेदी के बीच हुई चर्चा का ऑडियो। हेलो। हाँ, पैसा तो नहीं दिया, बुधवार बीतेगा। अरे तो बीजेम से का मतलब बिजी रही, हम पैसा दे पाना ना दे, हम पैसा दे पाना ना दे। हाँ, पैसा कल परसों बताई कै दिन लगा बना बना कान उस दिन हम दाई देवता बना कहाँ आनी है बताई बना सुबह का सुबह हम वेट करन देखम तो हाँ गुलाम है नहीं मंगलवार कल हुआ है मीटिंग में लेके हम तुम पैसा दे आप ठीक है। हाँ तो ठीक है, पूरा पैसा हम लेब अंकल। पूरा नहीं आधा नहीं पूरा ले बे, जब वो हमें सही सही सब तो हम जो करे को करा, जब ये मैं तू पार हुआ मोनिस का कर तुम तो हम बुद्ध का देव ये भी ना हूं आबा था बुधवार का के तू समझ गया पैसा ले गया, नहीं तो अपन खाते कहां फोन पे जाऊं तू भेजा गूगल पे आने में रिपोर्ट कर जावे ना दे। अब यहां तक हम कह दिया तो का चाहिए था तू हम वही है जब ना दिन से कागज लेने वो दिन से तुम तुमने सहसे नहीं है तुम्हारे अंदर तुम बता रहे झूठ झूठ काइंट मजा का करा लिया सीमांकन वहां रुक जाओ तो कहीं करा ले तुम तो बताया नहीं सीमांकन तो हो जी अंकल परेशान न हो ये पर। तुम्हारे क्षमता नहीं है करा ले तो चला यह चैलेंज हम दे दी होगी ठीक ठीक है पर अपना पैसा पूरा चाहिए बस वहाँ चलगा देव तुम्हारे अंदर हो तो करा लिया हम यह कह दी हाँ हाँ हाँ
भी करा लिया तो बताए। सुना आपने किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं के संरक्षण में दलालों का कारोबार फल फूल रहा है और खुलेआम इनके द्वारा चुनौती दी जा रही है। आइए आपको अब सुनाते हैं पीड़ित का क्या कहना है। मेरा नाम राहुल साकेत, ग्राम कपसा, पोस्ट कपसा, तहसील सिमरिया, थाना चुरहटा का निवासी हूँ। सर, मेरे पापा जी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त हो गई हुई है, जिससे कि मैंने आवेदन लगाने के सीमांकन के लिए आवेदन अपने निजी पैतृक जमीन पर सीमांकन और नक्शा तैयारी के लिए आवेदन लगाने के लिए सिमरिया तहसील कार्यालय गया था। तो सिमरिया तहसील कार्यालय के बाहर जो ये अनुपम पांडे नायब तहसीलदार के चमचों द्वारा सर मेरे से सीमांकन और नक्शा तरमीम के अवरेज के लिए बोले कि हम तुम्हारा सीमांकन नक्शा तरमीम करवा देंगे, ये अनुपम पांडे के पीयूष द्विवेदी द्वारा, ये जो राजनिवेश का काम करते हैं बाहर तहसीलदार कार्यालय के। तो मैं वहां गया तो मेरे से 20,000 रुपये पैसा ले लिए गए। बोले आपका सीमांकन कर दिया जाएगा, नक्शा तरमीम करवा दिया जाएगा और आपका प्रधानमंत्री आवास का घर बनवा दिया जाएगा आपकी पैतृक जमीन पर ही। तो आज तक कुछ नहीं किया गया सर, 20,000 पैसे भी ले गए मेरे से लिए, बोले कि हम आपका कर देंगे। मैंने SMS में बात किया, मेरे पास चैटिंग भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और वो धमकी भी दे रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना सीमांकन करवा लोगे, नक्शा तरमीम करा लोगे, मैं पैसा भी नहीं दूंगा, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। नायब तहसीलदार अनुपम पांडे के ये चमचे हैं पीयूष द्विवेदी, जो राजनिवेश का काम करते हैं, अर्जी निवेश का। तो जी, मेरी जमीन का खसरा नंबर है 68/2, रकबा 0.061 है, जो कि 15 डिसमिल है। इसके बाद अनुपम पांडे द्वारा भी बात हुई मेरी, अनुपम पांडे ने मेरे में कॉल लगाकर धमकी दिए कि मैं रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, मैं जो भी रिकॉर्डिंग मैंने मेरे से और तहसीलदार से बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। और जो पीयूष द्विवेदी जो कि नायब तहसीलदार अनुपम पांडे के चमचे हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग और जो चैटिंग से बात हुई वो भी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ। माननीय जी, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास का घर बनवाने की कृपा करें। यह है सरकार का सुशासन, जिसे देख सुनकर आप अनुमान लगा लिए होंगे कि किस तरह से सबका साथ सबका विकास के नाम पर ठगी की जा रही है। नेता अपनी तिजोरी भरने के लिए किस तरह से दलालों को सक्रिय कर रखे हैं और गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।